हेलो एवरीवन, आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आखिर जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वहाँ पे किस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया जाना चाहिए। तो देखिए, ऑल बैलेंस्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई टू क्राइटेरिया। तो लेट्स सी कि क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है उसमें ये बोला जाता है कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें तो आपको बैलेंस करना है एटम्स को, और एटम बैलेंस होगा तो मास बैलेंस हो जाता है। यानी आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना नंबर ऑफ एटम होना चाहिए उतना ही राइट हैंड साइड में आपको एटम होना चाहिए। यानी रिएक्टेंट के साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट के साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल, तो आप बोलेंगे कि हाँ, ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन सिर्फ एटम को बैलेंस कर देने से कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। इसके साथ साथ एक दूसरा भी कंडीशन है, उसको जान लेते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारा नेक्स्ट, वो है चार्ज बैलेंस। इसका यह मतलब हुआ, यहां भी आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल चार्ज है और राइट हैंड साइड में जो टोटल चार्ज है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो कोई भी केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन आपको बैलेंस तभी कहा जाएगा जब ये दोनों क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी वहां एटम भी बैलेंस होना चाहिए और साथ ही साथ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये आपको जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर सिर्फ एटम बैलेंस हो गया और चार्ज बैलेंस नहीं हुआ तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर कितने मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। तो मेथड फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन, तो मेथड फॉर बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन हमें दो टाइप के पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकाल के और तब हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। और हमारा जो सेकंड है वो सेकंड है, दूसरा जो है वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसी को हम लोग हाफ सेल मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। इन दोनों में से सबसे अच्छा जो मेथड होता है वो सेकंड मेथड होता है, जो आसान भी होता है और बहुत इजीली हम लोग इसमें एक्यूरेटली इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। जबकि इस मेथड में हमें लास्ट में कुछ अपने आप भी बैलेंस करना होता है। तो चलिए, लेकिन हमारे एग्जाम्स में दोनों मेथड आएंगे, तो किसी भी मेथड से आपसे पूछा जाए आप कैसे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देना होगा, अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज आती है तो फिर आप इस मेथड में आपको प्रॉब्लम आएगा। इसलिए कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है वहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो चलिए हम एक इक्वेशन लेते हैं और फिर हम बैलेंस करते हैं, रूल बताते हैं आपको कि कैसे कैसे आपको बैलेंस करना है। आइए, ये हमारा एग्जाम्पल है, कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके आपको CuNO होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करता है और NO2 और वाटर देता है। अभी ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको सभी का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो देखिए, कॉपर जो है फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1,
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो और वो निकालोगे तो आपका वैल्यू आएगा प्लस फाइव। थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स में से वन जाएगा माइनस फाइव, और माइनस फाइव को जब आप उधर ले जाओगे इक्वल टू के बाद में तो ये प्लस फाइव होगा। इसलिए मैं बोला कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहां आना चाहिए। अब यहां देखिए, आप इसको यहां पे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जब ब्रेक करते हैं तो इसके ऊपर प्लस टू चार्ज आता है और नाइट्रेट के ऊपर माइनस वन चार्ज आता है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन यहां पे, देखिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस टू चार्ज हुआ तो इसके ऊपर क्या हो गया, प्लस फोर चार्ज हो गया। और वाटर के बारे में हमें कंसिडरेशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वाटर को हम लोग बाद में अपने आप बैलेंस कर लेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं, अदरवाइज वाटर के बारे में नहीं सोचना है। अब आपको करना क्या है, देखना है कि आखिर किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो देखिए, अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे चेंज हो रहा है, ठीक है जी। और अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो यहां से यहां अगर आ रहे हैं तो आपका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यानी यह कंफर्म हो गया कि जीरो से प्लस टू में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और ये प्लस फाइव से प्लस फोर में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। अब देखिए करना क्या है, आपको चेंज निकालना है। अच्छा, चेंज कैसे निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आप चेंज निकाल रहे हैं पहले चेक कर लीजिए कि क्या उसका एटम बैलेंस है क्या। तो देखिए कॉपर इधर कितना है, वन है, और इसमें भी कॉपर कितना है, वन है। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हम लोग निकाल रहे हैं किसके लिए, कॉपर के लिए। तो चेंज कैसे निकालते हैं, हायर माइनस लोअर करते हैं, तो टू माइनस जीरो करेंगे तो यहां पे जो हमारा चेंज आया वो कितना आया, टू आया। उसी तरीके से अब हम लोग यहां पे बात करते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे कि ये किस में जा रहा है, इसमें और इसमें। देखिए तो अगर आप यहां से यहां की बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस फाइव है और ये प्लस फोर है, और नाइट्रोजन भी यहां पे क्या है, बैलेंस है। तो आप यहां पे चेंज निकालिएगा तो माइनस फाइव माइनस फोर इक्वल्स टू वन का चेंज आएगा। यहां पे भी सेम वही चेंज लिखना है जो ये कॉपर का आया है, तो यहां पे टू माइनस जीरो इक्वल्स टू टू आ गया। और यहां पे भी आपको ऐसा ही लिखना है, फाइव माइनस फोर इक्वल्स टू वन आ गया। यानी यहां पे टू का चेंज आया, यहां पे वन का चेंज आया, यहां पे टू का चेंज आया और यहां पे वन। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी चेंज आएगा उससे इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया तो अब आपके पास क्या हो गया वो देखते हैं। तो अब ये वैल्यू हो गया Cu, ठीक है, प्लस ये हो गया 2 HNO3 गिव्स Cu NO3 होल ट्वाइस प्लस 2 NO2 प्लस, अभी हमको H2O के बारे में हम लोग बाद में सोच लेंगे, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन करके हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए यहां पे कॉपर वन है, इधर भी कॉपर वन है, तो हमारा कॉपर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्या है, इधर नाइट्रोजन काउंट करिए, इधर नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, तो टू है, और यहां पे नाइट्रोजन कितना है, टू है, फोर है, लेकिन यहां पे नाइट्रोजन कितना है जी, टू है, तो हम इसको फोर बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, फोर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको वाटर अप्लाई करना है, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन को काउंट करिए, तो इधर ऑक्सीजन इसमें देखिएगा तो 12 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहां पे देखिए यहां पे 6 ऑक्सीजन और प्लस यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो 4 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है यहां पे, 3 ऑक्सीजन है।
इसका क्या मतलब हुआ कि इधर कितना ऑक्सीजन की कमी है, दो ऑक्सीजन की कमी है। तो देखिए, एक ऑक्सीजन की कमी के लिए वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करते हैं, तो दो ऑक्सीजन की कमी है, तो हम यहां पे जिधर कमी है उधर क्या ऐड करेंगे, 2H2O ऐड करेंगे। तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है, और इधर भी आपके पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से आप देख लिए कि कैसे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से हमारा क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो आप लोग अब इस पे ट्राई करिए और आप इजिली कोई भी क्वेश्चंस आप इस पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयन एक्सचेंज, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे।